हाँ जी सत श्रीकाल जी, वेलकम टू दी पंजाबी वॉन्डर्स यूट्यूब चैनल। आज हम आ चुके हैं इजिप्ट में, तो इस वीडियो में बात करेंगे हम कि इंडिया से इजिप्ट कैसे आना है, द वीज़ा एंड एवरीथिंग। ऑल्सो अगर आपको जाना है पिरामिड्स के अंदर तो क्या प्रोसीजर है, तो ऑल डिटेल्स इन दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। तो ये बेस्ट स्पॉट है यहाँ पे चिल करने का, तो ये जा रहे हैं हम भाई पिरामिड के अंदर। भाई ये तो बहुत गहरी है, पता नहीं क्या है यहाँ पे अंदर। इंडिया तो यार शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ वीज़ा, तो यार इनका ई वीज़ा आता है वैसे तो, लेकिन ई वीज़ा जब आप करते हो अप्लाई, जैसे आप डालते हो कि आपका पासपोर्ट इंडियन है, तो वो आपको बोलता है कि भाई आपको चाहिए इनविटेशन लेटर किसी इजिप्शियन एजेंसी का। वो मिलना मुश्किल है, बिकॉज मैंने काफ़ी ढूंढा इंटरनेट पर, टूर एजेंसीज को मैसेज करे, बोले आप हमसे टूर लोगे तो ही आपको लेटर मिलेगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं जाता हूँ एम्बेसी। मैंने एम्बेसी में जाके अप्लाई किया, ऑलमोस्ट सिमिलर ही चार्जेस हैं एम्बेसी में अप्लाई करो या ई वीज़ा लो, 2,500 शायद वहाँ पे और 2,000 ई वीज़ा के हैं। तो भाई चला गया मैं एम्बेसी, और जब मैंने सबमिट करा बोला कि लेटर चाहिए, लेटर नहीं है। मैंने कहा यार लेटर के चक्कर में तो मैं ई वीज़ा छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। बोला नहीं मिलेगा, तो मैं ले आया ऐसे ही। तो मेरे चक्कर लगे बस 2 बार, तो मैंने कहा छोड़ो नहीं जाएंगे इजिप्ट। लेकिन फिर मुझे मिला एक बंदा, एक यहाँ का ट्रैवल एजेंट ही है वो, तो भाई वो मान गया लेटर देने के लिए, पैसे लिए उसने मेरे से। तो अभी आई कांट रिवील उसका नाम यहाँ पे, बिकॉज वो ऑब्वियसली थोड़ा मतलब लीगल काम नहीं है ना, कि आप टूर नहीं दे रहे हो फिर भी आप लेटर दे रहे हो। तो अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे ईमेल कर देना thepunjabiwanderer@gmail.com, और मैं आपको उसका दे दूंगा कॉन्टैक्ट जो भी है। अब जब मैं बोर्डिंग करने गया भाई एयरपोर्ट पर, तो मेरे से उसने लेटर देखा ही नहीं, लेटर उसने पूछा ही नहीं कि लेटर है कि नहीं है। मैं आया हूँ इथियोपिया से, तो मेरे से उसने टिकट तो थी मेरे पास, बोला रिटर्न टिकट भी दिखाओ। तो मैंने भाई इंडियंस का ऐसे ही है, हर जगह पे रिटर्न टिकट मांग लेते हैं। अपनी इमेज खराब कर रखी है ना हमने। लेटर उसने नहीं देखी यहाँ पे। अब जब मैं आ गया कायरो एयरपोर्ट पे, मुझे लगा यहाँ पे चेक करेंगे। अब भाई यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं भाई, वो इमिग्रेशन के पहले ही खड़ा है वो मेरा वो बोर्ड लेके हैं। तो उसने मेरे से उसने एक थोड़ा सा फॉर्म सा भरा मेरे लिए और बोला लाइन लग जाओ, आपका इमिग्रेशन हो जाएगा और आपको मैं आगे मिलता हूँ, आप सामान ले लो अपना। इमिग्रेशन टाइम भाई उसने मेरा पासपोर्ट लिया, उसने खुद ही अपने सिस्टम में चेक करा कि तुम्हारा ई वीज़ा है, ठीक है बस ठीक है जाओ, होगा तुम्हारा वीज़ा। तो लेटर किसी ने चेक ही नहीं करा, तो मतलब आई फील चीटेड सा कि यार मैंने पैसे भी खर्च करे और लेटर किसी चेक नहीं करा। लेकिन इफ़ यू वॉन्ट मेंटल पीस तो आप लेटर ले लीजिए, क्योंकि एक मेरा दोस्त है उसके साथ यही होता था, लेटर नहीं थी, उसको बोर्ड ही नहीं करने दिया, वो भी इतने पैसे ही गया था। तो ठीक है, मतलब जितने पैसे खर्च हुए उसमें आपको ड्रॉ भी मिल जाएगा। तो आप कहीं पे भी कायरो में, गीज़ा में, तो कायरो जो कैपिटल है उसके बगल में ही है गीज़ा, जो पिरामिड्स हैं वो गीज़ा में, वो कायरो में नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए, ये मेरा होटल है जिसकी छत है होटल की, अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए कोई भी, तो यू हैव टू स्टे इन गीज़ा। अब वहाँ से भाई सब कुछ कर करा के हम आ गए वापस होटल पे आ गया मैं। ये मेरा जो होटल है ये काफ़ी बेसिक सा होटल है, इसका booking.com पे शायद 8 USD है, प्राइवेट रूम है, लेकिन कोई बहुत शानदार रूम नहीं है, मतलब ऐसे बेकार सा रूम है। और मतलब अगर लॉन्ड्री लपाटे हो तो आ जाओ, लेकिन अगर आप फैमिली हो कपल हो तो थोड़ा सा अच्छा होटल ले लो। मतलब यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं, सबका यही व्यू है पीछे। थैंक यू, नो 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 थैंक यू। हाँ जी त्यौहार, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं पिरामिड्स पे, और यहाँ पे ना ये बड़ा सीन है कि आपको 50 लोग आ के पूछेंगे कि घोड़ा ले लो, ऊँट ले लो, और मानते ही नहीं है। मतलब एयरपोर्ट पे भी यही सीन था, 50 बार बोलना पड़ता है नहीं 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 नहीं, लेकिन फिर भी नहीं मानते। तो यही होने वाला पूरा दिन आज। इधर है पिरामिड्स का गेट शायद। हाँ जी यार, वेलकम टू द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। अब इसमें मतलब जो हमने एंट्री टिकट ली है 240 इजिप्शियन पाउंड, 700 रुपये एंट्री, और फिर पिरामिड्स के अंदर जाने के अलग से एंट्री टिकट है। जो मेन पिरामिड सबसे बड़े वाला, जो कि वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, सब वंडर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है सारे पिरामिड, एक पिरामिड है ना सबसे बड़ा वाला, वो ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। उसके अंदर जाने के लिए आपको 400 पाउंड और देने पड़ते हैं, तो 400 पाउंड मतलब 1100 रुपये। और जो सेकंड पिरामिड है, नो थैंक यू, जो सेकंड पिरामिड है उसके अंदर जाने के लिए सिर्फ 100, नो थैंक यू।
यहाँ पे भाई ऑलरेडी मेरे को 5 लोग, एक तो गाइड पीछे पड़ गया, मतलब ये मुझे पता है कि ये होने वाला है आज। हर कोई आपसे आके यही पूछेगा मेरे घोड़े पे बैठ जाओ, मतलब वो मतलब नहीं था मेरा। तो जो सेकंड पिरामिड है उसका एंट्री टिकट है 100 रुपये अलग से, 100 इजिप्शियन पाउंड 300 रुपये। तो मैंने 340 पाउंड दिए हैं, 1000 रुपये के आसपास। आप लोग फ्री में देख लो पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। तो यार ये यहाँ पे स्फिंक्स, तो स्फिंक्स होता है मतलब एक इमेजिनरी एनिमल होता है जिसका कि शरीर होता है शेर जैसे। देखिए उसके ये पैर आगे हैं और ये पैर पीछे हैं, तो शरीर शेर का है लेकिन शक्ल एक इंसान की है। तो किसी फिरो, मतलब फिरो होते थे यहाँ के राजा लोग को, फिरो बोलते थे। तो किसी फिरो की शक्ल है और शरीर एक शेर का है। तो ये जो जितने भी पिरामिड्स हैं ना, तीनों पिरामिड्स और ये स्फिंक्स, ये सब बने थे वाइट लाइमस्टोन से। तो ये जब बने थे तब ये बिल्कुल ही ऐसे चमकीले, जैसे कि लगा समझ लो कि शीशा लगा दिया हो, ऐसे थे। तो बताऊंगा आपको मैं पूरी हिस्ट्री क्या क्या चीज़ें थी, मतलब चलते हैं उधर। Yeah, I know, but I just like to walk. It's not sunny today. I'll just walk. Thank you. Thank you. Thank you. So, भाई अभी आपने देखा पीछे पड़ जाते हैं। तो यार ये देखिए यहाँ पे 3 बड़े पिरामिड्स हैं, 1, 2, 3। मेरे ख्याल सबसे बड़ा वाला ये है और इसकी जो ऊपर वाली आप देख सकते हैं थोड़ी सी बची हुई है लेयर। तो जब ये बनाया गया था 4000 साल पहले। ये पिरामिड सबसे पुराने पिरामिड नहीं है, सबसे पुराने पिरामिड कहीं और पे हैं, इजिप्ट में काफ़ी सारे पिरामिड्स हैं। तो यार ये जो बने थे, ये बने थे वाइट लाइमस्टोन से। तो मतलब वो वाइट था, मतलब वाइट, ठीक है, जब बने थे। तो इसकी जो बाहर की जो लेयर है ना वो काफ़ी पॉलिश बनाई गई थी शाइनी, ताकि ऐसा लगे कि मतलब कुछ चमक रहा है दूर से देखे, अगर जब सन पड़ रहा है पूरा ऊपर तो लगे कि कुछ तो शीशा लगा दिया, मतलब ऐसे चमक स्टार टाइप लगे मतलब। तो जो पत्थर थे अंदर वाले ना वो फिनिश नहीं थे, वो ऐसे ही थे टूटे फूटे, ठीक है, लेकिन जो ऊपर लेयर थी वो शाइनी लेयर थी। तो यार अब आते हैं इस बात पे कि ये बनाए क्यों गए थे। बनाए गए थे एज अ टूम्स फॉर द फिरो, फिरो मतलब जो यहाँ के राजे थे उनके टूम्स हैं, उनके मकबरे हैं। तो उनकी जो बॉडी थी वो रखते थे इसके अंदर, वो मानते थे कि भाई वो मरा नहीं है, वो भगवान के पास जाएगा अभी। तो इसमें एक फंडा ये भी है, बोले इसकी शेप ऐसी क्यों बनाई है, बिकॉज जब आप देखते हो ऊपर से सन रेज आती है नीचे को तो वो इस शेप में आती है, जब आप देखते हो सन ऊपर और रेज आ रही हो तो वो ऐसी शेप में आती है, तो इसलिए ऐसे बनाए गए थे। अब इनका जो एंगल है ना, जो एंगल बनाया गया था, इसका एंगल शायद 45 डिग्रीज है, और एक और है उसका फ्यूचर पे शुरू किया था लेकिन फिर वो भाई इतना वेट बढ़ गया उसका, वो स्टेबल नहीं था, तो ऊपर जाके उसका एंगल चेंज कर दिया। तो ये हम आ गए पिरामिड के बिल्कुल नीचे, मुझे बड़ा लग नहीं रहा ये। और यहाँ पे ये कैमल वैमल, इनकी आप फोटो लोगे तो भाई ये पैसे मांगेंगे आपसे बाद में, तो कभी भी इनकी फोटो मत लीजिए या पहले पूछ लीजिए कितने पैसे लोगे भाई फोटो के। तो यार अब ये सोचिए कि देखिए इतना बड़ा पत्थर है ये, जैसे ये मेरा हाथ है, अब देखिए इसका साइज पत्थर का कितना बड़ा साइज है। तो ये कैसे लेके आते होंगे और कैसे चढ़ाते होंगे इसको ऊपर, तो ये अभी मिस्ट्री है, पूरी तरह नहीं अभी तक पता लग पाया कि शायद दे यूज टू मेक रैम्स, ऐसे जैसे सड़कें होती है पहाड़ों पे, या मे बी सीधा रैम लगाते थे, पता नहीं, कुछ पता नहीं किसी को। अभी भी लोग लगे हुए रिसर्च करने में लेकिन किसी को पता नहीं क्या कैसे बनाए गए थे ये, मतलब भाई तो पत्थर काटने इतने बड़े बड़े पहाड़ों में से, तो क्वेरी थोड़ी दूर थी, वहाँ से लेके आने काफ़ी मुश्किल, इसलिए वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। $200, like $5. Okay. No, actually, I don't want to ride a camel. Okay. Because in India, we have so many camels. Okay. If you change your mind, only $100. Like, no, I don't want it. Thank you. Hello, bhai sab, kahan se aap? Punjab se hai. तो यहाँ जो भी बंदा मेरे को मिल रहा है बोल रहा है कि भाई you look like Egyptian, nice beard. You from where? बोलता है India, अमिताभ बच्चन, करीना कपूर. तो भाई ये तो है खुफू का पिरामिड, सबसे बड़ा wonder of the world, the pyramid of Giza. ये है. और इसके बगल, इसके अंदर जाने के लिए आपकी एंट्री फीस 1200 रुपये। यहाँ पे एक छोटू पिरामिड और है, वहाँ जाना फ्री है, तो फ्री है तो हम क्यों नहीं जाएंगे, चलिए चलते हैं। कहाँ फंस गई ये यार, ये तो फन है और ये फ्री भी है। मुझे बंदा बोलता है कि भाई घुस जा अंदर, बाहर आके मुझे टिप दे दियो। क्यों टिप दे दूं भाई तेरे को, किस बात की टिप दे दूं, फालतू में खड़ा हूँ, फ्री है ये।
उन पोको अबे यार एक और सीढ़ियां और यानी इनकी वेट कर लेते हैं ओके तो कुछ नहीं है कमरा सा है अंदर ओके तो एक्सपीरियंस सही है फ्री भी है अभी थोड़ी और सीढ़ियाँ चढ़नी है अरे भाई वो देखिए ऊपर अभी वो बाहर जाके मुझसे टिप मांगेगा देखते हैं तो वही मेरे से टिप मांग रहा था मैंने कहा भाई किस बात की बोला फोटो खींचने की मैंने कहा सब तो खींच रहे हैं बोला नहीं टिप दो ये बड़ा ख़राब है यार ये यहाँ पे सीन ना ये हर कोई पैसे मांगता रहता है आपसे हर कोई ये कोशिश करेगा कि भाई पैसे दे दो मेरे को नो ब्रो सॉरी नो अब चलते हैं दूसरे पिरामिड के अंदर ये यहाँ पे भी बना रखे लोगों ने दिल विल तो ये देखिए लाइन है ये अंदर जाने की जैसे बताया मैंने आपको कि टूम तो है अंदर लेकिन साथ में बहुत सारी सुरंगें भी हैं टनल्स हैं तो किसी एक में लेके जाते हैं ये यहाँ से और इसकी एंट्री फीस है तकरीबन 1200 रुपये और ये खुफू का पिरामिड हमने जो टिकट लिए वो दूसरे पिरामिड की है हम उसके अंदर जाएंगे लेकिन जो यहाँ पे गए ना वो भी अच्छा था मतलब वो फ्री था एक्सपीरियंस तो मिल ही जाता आपको अंदर यहाँ भी वैसा ही होना है टनल भी जाएंगे अंदर कमरा होगा अंदर एक तो ये खुफू वाला पिरामिड और वो दूसरा वाला उसके अंदर जाएंगे अभी हम ये देखिए यहाँ पे पकड़ के इसको फोटो ले लेगा इसके पहले फिर बोलेगा पैसे दे इंडिया तो जितनी भी टूर कंपनियाँ हैं वो बसों में लेके आती हैं आपको पहले वो दिखाती हैं पिरामिड फिर यहाँ पे आ खड़े जाती हैं फिर अभी वाला पिरामिड देखते हो Yes, I'm not Egyptian. No, don't say that. Really? Yeah. No, I'm not Egyptian. I'm Egyptian. Yes, it's a mask. No, really? I'm not Egyptian. Where are you from? India. Yeah, Maharaja. Thank you. Because, listen, because you look like Egyptian, you don't want to show up like that. तो जो बंदा अभी था मेरे पीछे पड़ा हुआ था बोला था कि भाई यू डोंट लुक यू आर इजिप्शियन मैंने कहा नहीं मैं नहीं हूँ इजिप्शियन कह रहे नहीं नहीं यू लुक इजिप्शियन फालतू में मतलब बात करने के लिए और फिर बोलता मेरी फोटो खींच मैंने कहा ठीक है तेरी फोटो खींच देता हूँ मैंने उसकी फोटो खींची फिर बोला डंडा पकड़ मैं कहा भाई मुझे नहीं खानी फोटो कह रहे नहीं फिर मुझे जो उनका साफा सा होता है उड़ाने लग गया मेरे गले में मैं कहा भाई मुझे नहीं खिंचानी फोटो बोला आई विल गिव यू गुड प्राइस मैं कहा भाई मुझे नहीं खिंचानी भाई बहुत अनोइंग है यार ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है मेरे ख्याल से ये बेस्ट स्पॉट है यहाँ पे चिल करने का अभी वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लाइन बहुत छोटी हो गई है यहाँ है ही नहीं तो चलते हैं पिरामिड के अंदर अभी इसके पैसे लिए हैं तो चले जाते हैं पर मुझे लग रहा है कि जो एक्सपीरियंस हमने फ्री में किया वो भी सही ही था बाकी लेट्स गो एंड सी तो ये उतना बड़ा नहीं है मतलब देखने में तो उतना बड़ा लग रहा है मुझे सेम लग रहा है दोनों बट कहा जाता है कि वो ज़्यादा बड़ा है थोड़ा छोटा है बट साइज़ डजंट मैटर तो अभी वो है सामने एंट्री चलते हैं तो ये जा रहे हैं भाई पिरामिड के अंदर काफी गहरी लग रही है सुरंग भाई ये तो बहुत गहरी है अंकल को आने देता हूँ पहले भाई यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है रोड वन वे ट्रैफिक डबल वे है
ये इधर से बाहर है शायद, हैं? नहीं नहीं भाई, ये अंदर जाना है अभी और। चलो भाई एक और। बहुत स्लो स्लो जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या है यहाँ पे अंदर। फाइनली खड़े हो सकते हैं अभी। अरे आगे एक वॉटरमेल है, तो आ जाए और यहाँ जाना है। चलो भाई, तो भाई यहाँ पहुँचे इस सुरंग से आके। ये अंदर एक कमरा है बड़ा सा, और कोई डेट लिखी हुई है 2 मार्च 1818, पता नहीं क्या है। और ये है टूम्ब, ये उसका ढक्कन, लेकिन इसके अंदर से मम्मी नहीं मिली है किसी को, वो लोग पहले ले जा चुके। तो ये है, सही एक्सपीरियंस है, मज़ा आया। अभी वापस कैसे जाना है, वो सेम रास्ते। तो हाँ, वर्थ दी 100 Egyptian pounds। तो चलो भाई सेम रास्ते वापस। अरे भगवान, यार ये पिरामिड और इधर ये थोड़े घर वर बने हुए हैं, यहाँ कोई आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या सीन है। चलो हम चलते हैं, यहाँ देखिए एक भी बंदा नहीं है, ना बंदा ना बंदरी जात। काफ़ी सही सा घर लग रहा है मेरे को, पता नहीं मतलब ये क्यों बनाया था, ये भी उतना पुराना है कि नहीं है पता नहीं। भाई फूल बूटे, भाई फूल बूटे लगे थे था, वो मोटर भी साइड, नहीं मोटर नहीं है। नहीं यार ये लकड़ी की खिड़कियाँ हैं, ये बाद में बनाया है, ये देखो ये ईंटें ही अलग हैं, ये पिरामिड के साथ का नहीं है भाई, ये बाद का है। तो भाई हो गया अपना पूरा ट्रिप पिरामिड्स का, और मज़ेदार था। मतलब एंट्री फी इतनी ज़्यादा नहीं है, 500-600 रुपये है, ताजमहल की भी इतनी लगती है अगर कोई फॉरनर आता है तो। उसके अंदर जाना इट्स मतलब 100 रुपये में बहुत सही है, लेकिन अगर आप थोड़े एज्ड हैं और थोड़ा बहुत डर लगता है तंग, अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं तो यू कैन स्किप। जो फ्री वाला चले जाइए, फ्री वाला छोटा ही है, उसमें आपको थोड़ी सी फील भी आ जाएगी कैसा है अंदर, वो क्या है, और वो फ्री भी है, तो फ्री वाला कर लीजिए अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो। नहीं तो ज़रूर वो 300 रुपये खर्च करके, 100 Egyptian pounds खर्च करके वहाँ ज़रूर जाइए, काफ़ी सही है। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और आपको अगली वीडियो में आपको घुमाएंगे हम कायरो, और देखेंगे कि इजिप्ट का खाना वाना कैसे है, और कैसा है इजिप्ट जो मेन कायरो है वो डाउनटाउन कैसा है, और तो वो सब देखेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।